शिक्षा निदेशालय में भ्रष्टाचार से आजीज आ चुके शिक्षकों ने खोला मोर्चा, दे रहे हैं धरना। दिसंबर 2010 में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान के स्थान पर एसीपी की व्यवस्था से संबंधित एक शासनादेश निर्गत हुआ। निर्गत शासनादेश के सापेक्ष जिन कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने थे जनपदीय अधिकारियों द्वारा लाभ स्वीकृत कर दिए गए, लेकिन स्वीकृत लाभ के अनुसार जो उनके अवशेष वेतन देयक बनते हैं उन अवशेष देयक वेतनों का भुगतान शिक्षा निदेशालय के स्तर से होता है, और जब तक शिक्षा निदेशालय स्तर पर ऐसा नहीं भुगतान हो जाता, कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण आर्थिक रूप से नहीं कर लिया जाता है, तब तक वो स्वीकृतियां यहां से प्रदान नहीं की जाती हैं और न ही धन आवंटन किया जाता है, जिससे पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में असंतोष है। आज माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के हम बैनर पर प्रदेश के शिक्षणेतर कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, और यदि यह घूसखोरी नहीं बंद की जा रही है तो आने वाली बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार का भी हम निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या नाम है आपका?